हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक और आईटीजीएम 2016 का क्वेश्चन है, देखिए लीनियर अलजेब्रा से। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक सिंगल से क्वेश्चन में देखिए दो तीन कंसेप्ट इतने अच्छे से मिक्स कर रखे हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल है। तो क्वेश्चन पढ़ें देखिए, क्यों देखिए मैट्रिक्स एम गिवन है विच इज़ अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 गामा। और हमें गिवन क्या है, देखिए अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमको, 1। अल्फा बीटा गामा कैसे बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर है। एंड एक्स हमें एक 3×1 का क्या दे रखा है, R3 का वेक्टर दे रखा है विच इज x1 x2 x3। देन mx=0, इट मीन्स जो हमें दे रखा है होमोजेनियस सिस्टम हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ ट्रेस ऑफ m दिस, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो क्वेश्चन हैं, इस सिंपल से क्वेश्चन में देखिए तीन कंसेप्ट इतने अच्छे से मिक्स कर रखे हैं। पहला देखिए जो कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट ऑफ रैंक, दूसरा जो होमोजेनियस सिस्टम है उससे इसका इसमें यूज होगा, और जो मैं दे रखा है एक जो प्रॉपर्टी लगेगी विच इज ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ये तीन चार कंसेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए वन बाय वन यूज करना सीखें। तो देखिए हमें पहली बात जो बोल के रखा है कि अगर ट्रेस ऑफ एम क्या हो कि ये सिस्टम आपको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दे दे विच इज होमोजीनियस। तो हम जानते हैं कोई भी अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके पास ओनली दो ही टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो यूनिक या फिर इन्फिनेटली मैनी। पहली बात, अगर देखिए यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम जानते हैं कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, यस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर। अगर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाता है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें पता लगा एक। तो अब देखिए जो मैट्रिक्स दे रखी है M, वो हमको क्या दे रखी है, 3×3 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो हम सिस्टम बनाएंगे होमोजेनियस सिस्टम, वो क्या देगा आपको, वो देगा देखिए आपको 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको बताती है इक्वेशंस, ये बताती हैं वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर और हम जानते हैं हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ट्रेस ऑफ M, और हम जानते हैं ट्रेस ऑफ M कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या कर रखा है, अल्फा बीटा गामा रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमने थ्योरी डेवलप कर ली इस क्वेश्चन के लिए, इसको देखिए क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, अब देखिए अगर बोल के चल रहा है कि एम एक्स बराबर जीरो के पास में इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो मुझे इतना पता है कि रैंक ऑफ ए जो है, सो रैंक ऑफ एम है वो लेस देन कितना होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब रैंक ऑफ एम की पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती है, आइदर 2 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो कम से कम 1 तो होगी होगी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे उठता है, अगर देखिए रैंक ऑफ एम है वो 3 नहीं है, अगर 3 से कम है तो हमें ऐसे क्या पता लगा, पहली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होगा, यस हमें पता लगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना हो जाएगा, 0। और जब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एम 0 आ चुका है तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फॉर्मूला मिल चुका है कि हमें इस जो मैट्रिक्स एम है उसकी डिटरमिनेंट कितनी पुट करनी है, 0। तभी वहाँ से हम इजीली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो देखिए अगर आप इस एम के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको ये मिलेगा अल्फा बीटा गामा प्लस वन माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए हमें देखिए कितना रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एम कितना होगा, यस 0 होगा। अब देखिए जो हमें निकालना था बेसिकली, हमें इसके वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्वेश्चन जो दे रखा हमको कि देखिए ये प्रोडक्ट है ना अल्फा बीटा गामा को, हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना दे रखा, देखिए 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, ट्रेस ऑफ एम को कितना अच्छे होना चाहिए, देखिए 3। तभी देखिए ये सिस्टम क्या दे पाएगा आपको, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कितना अच्छा कंसेप्ट है, एक तो देखिए आपको होमोजेनियस सिस्टम का पता लग गया, एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो हमने यूज़ कर ली, और जो कंसेप्ट था रैंक का वो भी हमने इसमें यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन करने ट्राई करिए जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हो रहे हों। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट के साथ मर्ज करके पूछा जा सकता है। जैसे ये जो क्वेश्चन था इसमें देखिए एक क्वेश्चन में हमने 3 कंसेप्ट यूज़ किए, तो फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था
और बहुत ही लॉजिकल था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।